केंद्र सरकार ने भारत के तीन पुराने हाईकोर्ट के नाम बदलने का फैसला किया है। इन हाईकोर्ट के नाम अब इनके शहरों के नाम पर होंगे। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। देखिए एक रिपोर्ट। मोदी सरकार ने मंत्रिपरिषद के पुनर्गठन के बाद ही एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट ने तीन पुराने हाईकोर्ट के नाम बदलने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम मुंबई हाईकोर्ट होगा। 14 अगस्त 1862 में बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट का नाम कोलकाता हाईकोर्ट होगा। इस कोर्ट की स्थापना 1 जुलाई 1862 में हुई थी। और मद्रास हाईकोर्ट का नाम चेन्नई हाईकोर्ट होगा। इस कोर्ट की स्थापना वर्ष 1862 में की गई थी। वैसे 1990 के दशक में इन महानगरों के नाम बदले जाने के बाद से ही इन उच्च न्यायालयों के नाम बदलने की मांग उठ रही थी, जिसे लेकर लगातार सरकार की आलोचना भी हो रही थी। दरअसल वर्तमान सरकार के पास हाईकोर्ट का नाम बदलने का कोई कानून ही नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश काल में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 के तहत उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। एक्ट के तहत कोर्ट के नाम बदलने की शक्तियां सिर्फ इंग्लैंड की रानी के पास थी। ऐसे में अब कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने द हाई कोर्ट्स बिल 2016 लाने का प्रस्ताव किया है, जिसे संसद में पेश कर सरकार इस विधेयक पर मंजूरी हासिल करेगी और इस बिल को लागू कर दिया जाएगा। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसी कोर्ट या जगह का नाम बदला गया हो। हाल ही में दिल्ली से सटे गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किया गया है। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक, 1995 में बॉम्बे का नाम मुंबई रखा गया, 2001 में कलकत्ता का नाम कोलकाता रखा गया, 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रखा गया, 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा, 2006 में पौंडिचेरी का नाम पुडुचेरी रखा गया। ऐसे ही कई और राज्य और उनके शहर हैं जिनका नाम बदला गया है। वैसे सरकार के इस फैसले का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है। लोगों का मानना है नाम में क्या रखा है, काम होना चाहिए। देखते रहिए डीबी लाइव। Thank you.